Good morning, Mumbai. Welcome back to your favorite show. And today, in our studio, we have Mr. Murali Prasad Sharma. आप गांधी जी के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? बोले तो अपुन बापू का बहुत बड़ा फैन है. क्या आदमी था वो? अकेला लाठी दिखाकर अंग्रेजों को बोला आउट, मतलब वाट लगा दिया उनका. वाट नहीं, दुर्गति, दुर्गति. What a man, class है. इस साड़ा मुन्ना तो नहीं है? हाँ जी, वाज बढ़ा दे. पर क्या आपको नहीं लगता कि लोग आजकल उन्हें भूलते जा रहे? बिल्कुल नहीं. आज भी उनके ऑनर में 2 अक्टूबर को ड्राई डे रखते. अगर ड्राई डे नहीं भी हो ना, तो भी अपन दारू को हाथ नहीं लगाते. नो जोक्स अपार्ट, क्या आप उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं? चलता है ना, अपन 3 किलोमीटर रोज चलता है महात्मा गांधी रोड के ऊपर. मेरा मतलब है कि आप उनके आदर्शों पे चलते हैं. टोटल अपन क्या है, बोले तो गांधीगिरी में नंबर 1 है. यू मीन आप गांधीवादी हो, राइट? टोटल. और आप? मैं नॉट रियली, पर मुझे उनकी कुछ कुछ बातें अच्छी लगती हैं. जैसे? जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलती. तो आपके और मेरे विचार बहुत मिलते हैं, अपुन को रेगुलरली मिलना चाहिए ना. आप कभी झूठ नहीं बोलते? यू नेवर लाई. एक टाइम बोला था 92 में, क्या है कि एक बच्चे का अटन्नी खो गया था, बहुत रो रहा था. अपुन ने उसको अपना अटन्नी दिया और बोला कि तेरा है, रख ले. मेरी गल नोट कर, ये पॉलिटिक्स में जा रहा है. अच्छा, आप करते क्या हैं? अपुन प्रोफेसर है. हाँ, बच्चों को इतिहास सिखाता ना. आई मीन, पर आपकी भाषा. अब क्या करेगा, अखे कंट्री की भाषा की वाट बतबे के दुर्गति हो गई. लिए प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं, बोलेगा कि हृदय परिवर्तन हो गया, तो ऐसा लगता है कि साला किसी को हार्ट अटैक आ गया है. यू मीन आप जानबूझकर ऐसी भाषा बोलते हैं जो स्टूडेंट्स के समझ में आए? करेक्ट, इसलिए अपने क्लास में सब फर्स्ट आता है, सारा सेकंड कोई आता ही नहीं है. Well, अपुन भी आज से ऐसे ही बोलेगा. बोले तो तुमको अपने स्टूडेंट्स को कौन सा सॉन्ग सुनाने का है मामू? कोई भी मस्त आइटम नंबर. फैंटास्टिक शो रियली प्रोफेसर, होप मेरे बच्चों ने सुना. आपके बच्चे? यस, 6 बच्चे मेरे. भाई भाई, अभी अपन चलते. अपन सरकेश्वर, वो स्टूडेंट है प्रोफेसर साहब का. पुल अप अ चेयर, बैठिए ना. बैठना, बैठ. मीट माय चिल्ड्रन, क्यूट है ना? ये देख, ये देख. अरे ये अच्छा है. ये सभी आपकी तरह गांधीगिरी में एक्सपर्ट हैं. कौन है ये लोग? मेरे दादाजी के कॉलेज फ्रेंड्स, जिनकी भी अपने बच्चों से नहीं बनती, दादू ने घर ले आते हैं. ये आपके घर में रहते हैं? दादू ने घर का नाम ही सेकंड इनिंग्स होम रखा है. उनका कहना है कि दोस्तों, लाइफ का लास्ट ओवर है, फ्रंट फुट पे खेलो. करेक्ट. मस्त है तुम्हारा दादू. हाँ. मिलना मांगता उसे. एक्चुअली क्या आप उनके लिए गांधी जी पर लेक्चर दे सकते हैं? गांधी जी पे लेक्चर? यस, दे लव इट. हाउ अबाउट फ्राइडे? कॉलेज जाने गए तो फिर सैटरडे ट्यूशन है ना. सो संडे डन. दैट्स ग्रेट. सो आई विल सी यू ऑन संडे. I have to rush now. मेरा 7वां बच्चा आ जा रहा है. Okay, bye. See you. See you. Thank then. You. बात लगने वाली. Thank you. Dad, I hope you understand. आप अलग से रहेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है और बिंदु के लिए भी. तू मेरी चिंता मत कर बेटा. यह सब मेरे दोस्त हैं. कप्पे मारेंगे. मस्त रहेंगे. तू बहू का ख्याल रख. पूरी उम्र तो तुझे उसी के साथ गुजारनी है. मैं और कितना रहूंगा? तो क्या मैं अंदर तक आऊं? नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा. Dad, Dad, I'm getting very late, okay? कभी वक्त मिले तो मिलके जाना बेटा. Yeah. मैंने एक कमरे के मकान में 4 बच्चों को पाला और आज
उनके चार मकानों में। बाप के लिए एक कमरा नहीं। दो घंटे लगा दिए ये बात बताने को। और इसमें नई बात क्या है, ये तो घर घर की कहानी है लाले। रोता कैसा है छोकरी के जैसा है। सब बुढ़े अगर ऐसे आंसू बहाने लगे ना तो देश की पानी की समस्या हल हो जाएगी। ये बुढ़ा बहुत खिटखिट करेगा, इसको कोने वाला कमरा दे दो यार। अरे मैं सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम लोगों को मजाक सोच रहा है। वो इसलिए क्योंकि सेकंड इनिंग्स हाउस में सीरियस बातें करना मना है। सेकंड इनिंग्स हाउस? देखा आत्माराम, हम सबने जिंदगी की फर्स्ट इनिंग्स रोजी रोटी की भागम भाग में काट ली। अब सेकंड इनिंग्स में या तो किट-किट करके मरो या जीने की वजह ढूंढ लो। मैं एक बार हवाई जहाज में उड़ना चाहता हूँ। मैं मरने से पहले एक बार लाहौर जाना चाहता हूँ, अपना वो घर, अपनी वो गलियां देखना चाहता हूँ। मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मरने से पहले अपना फोटो कैसेट कवर पे देखना चाहता हूँ। और मैं मरने से पहले फिर एक बार शादी करना चाहता हूँ। शादी? इस उम्र में बैटिंग होगी तुझसे? नेट प्रैक्टिस करता रहता हूँ आत्माराम। दादू, मैंने आपके दोस्तों के विचारों की शुद्धि के लिए संडे को एक प्रोफेसर का इंतजाम किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। वो आप सबको गांधी जी पे प्रवचन देंगे। यू ऑल नीड इट। भाई तुम टेंशन मत लो भाई, वो प्रोफेसर लोग है ना, पावती बनाएंगे या हाथ पे चिपकाएंगे, टांग पे चिपकाएंगे, जेब में डालेंगे, अंडरवेयर में डालेंगे, और डाल के लेके जाने का। अंडरवेयर में डालेंगे? वो मामू लोग सवाल पूछेंगे, मैं अंडरवेयर में हाथ डाल के पावती निकाल के पढ़ के जवाब दूंगा। क्या बोल रहे है तू यार? अजीब दिखे ना, अंडरवेयर में हाथ डाल रहे बार बार। फोन पे बिठाएंगे भाई, फोन पे बिठाएंगे। वो अंकल लोग वहाँ पे सवाल पूछेगा ना तो बोलेगा बॉस कट मार के आने का है, बाथरूम में जाके अपने को फोन लगाने का, प्रोफेसर लोग जवाब देगा। अरे कितनी बार जाऊंगा बाथरूम, ये फोन वोन से नहीं चलने वाला। भाई फिर तो एक ही तरकीब है। और कोई रास्ता नहीं है क्या भाई? वो दूसरा रेडियो स्टेशन है ना, वहां पे एक आइटम है, अनुपमा चोपड़ा, उससे मिलो भाई। दिन भर है ना वो शाहरुख खान की बात करती रहती, उसके बुड्ढे लोग ना गारंटीड, मैं बोलता दिल कुमार के फैन है, उन लोग आपको संभालेंगे भाई। हाँ ये बकवास बंद कर यार, सोचने देना मेरे को। भाई फिर तो कोई रास्ता नहीं अपने पास, 5 दिन है, बापू के बारे में जितना पढ़ सकता है पढ़ लो। ठीक है चलता हूँ। ठीक है भाई। भाई क्या कर रहा है, पढ़ाई में ध्यान दो भाई, धंधा में संभालेगा ना, टेंशन नहीं है। इधर बे तुम जाओ भाई। हेलो कोई है? नमस्कार, मैं हरिराम, आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? बोले तो इधर बापू के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्या? क्या हुआ? बरसों बाद कोई यहाँ आया है, बड़ी खुशी हो रही है। गांधी जी के ऊपर लिखी गई हर किताब तुम्हें यहाँ मिल जाएगी, निश्चिंत होकर के पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाता हूँ। साला इधर सब जड़ा जड़ा किताब है। ना कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। देखो अंकल, 3 नाइट से अपुन सोएला नहीं है, खाली पीली दिमाग खराब किया ना तो खाली पीली क्या करोगे? उम्र का लिहाज कर रहा हूं अंकल, पढ़ाई करने दे, नहीं तो क्या करोगे? मारोगे? तुम दाएं गाल पे मारोगे तो मैं बायां गाल आगे कर दूंगा प्रोफेसर साहब। ये प्रोफेसर वाला बात तुमको किसने बोला? हेलो चाय। दे वो फैंसी ड्रेस को और बोल चुप बैठने के लिए। किसको? अरे बापू के डुप्लीकेट को। अरे किधर? अरे उधर है, दिखता नहीं क्या? सब एड़े आते हैं इधर। कौन हो तुम? तुम चाहो तो मुझे प्यार से बापू बुला सकते हो। टच नहीं करने का। डरो मत भाई, मैंने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बॉस इधर कुछ लफड़ा है, तुम कोई आत्मा तो नहीं है ना? आत्मा नहीं, चेतना कह सकते हो। अपुन की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाप बाप नहीं, बापू।
बहुत प्यार करते हो ना जाह्नवी से, रविवार को उसके घर जा रहे हो। तुमको कैसे मालूम? हरिराम! डरो मत बेटा, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। हरिराम! अगर तुम डर रहे हो तो मैं चाहता हूँ जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे दिल से याद करना, मैं आ जाऊंगा। हरिराम! क्या हुआ बेटा? देखो उधर कोई है। कौन है? हलुसिनेशन हो गया है? कई बार दिमागी थकान या केमिकल इम्बैलेंस से आवाजें सुनाई देती है, ऐसी चीजें दिखाई देती है जो रियल में है नहीं। That's hallucinations. अरे अपुन को क्लियर दिखा, महात्मा गांधी खड़े थे उधर। अपुन तो बोलता है कि वो बापू की आत्मा थी। अगर आत्मा होती तो उस चाय वाले को भी दिखती, सिर्फ तुम्हें क्यों दिखी? अरे ये तो आत्मा के मूड के ऊपर है ना यार, सबको थोड़ी दिखेगी। आप तीन रातों से बिना सोए बिना खाए पिए सिर्फ गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए एक थका हुआ दिमाग आपको गांधी जी ही दिखा रहा है। तेरे बोलने का क्या मतलब है? अपुन की सट्टा के लिए? डोंट वरी, ये दवाई ले लेना, ओके? एक मिनट, देख, बापू ने अपुन को बोला कि अगर दिल से याद करेगा ना तो वो आएगा, अपुन ट्राई करता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कैसे हो मुरली प्रसाद? ये टच नहीं करने का, टच नहीं करने का। डरो मत बेटा, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये देख, देख बापू, अब बोल अपुन येड़ा है। वहाँ कोई नहीं है मिस्टर शर्मा। अरे बापू अपुन को क्लियर दिखता है। सिर्फ आपके दिमाग में है ये सर्किट, तेरे को दिखता है ना बापू? हेलो बापू, लास्ट टाइम तुमने क्या एंट्री मारा मालूम क्या? अपना भाई डर गया। अपना भाई वैसे डरता नहीं है। अच्छा चलो वो टाइट कर दिया भाई ने। ये सर्किट। हाँ भाई, इधर है बापू। पानी दे रहा था भाई। बापू पानी, चाय ठंडा पीना मंगाऊ क्या? ये क्या तमाशा है? डोंट रीइंफोर्स दिस हैलुसिनेशन। तेरी तो ये दूं क्या रख के? भाई ने बोला दिखता है तो दिखता है। आज भाई तेरे को दिन में तारे दिखाता हूँ, रियल में है नहीं पर दिखेंगे। बोले तो हैलुसिनेशन। भाई भाई भाई, ए इधर इधर भाई, तुम बैठो ना बापू के साथ, टेंशन है। चल बे, बाबू संभालता है इसको। तेरी तो साले मेंटल हॉस्पिटल, क्या मशवर कर रहा है बे? हाँ, अपने को मालूम है बापू नहीं क्या? अरे बार बार बोल के भाई का दिमाग क्यों खराब कर रहा है? पागल कर देंगे क्या भाई को? दवाई दे इधर, अपन के लाएगा भाई को। ये सर्किट। हाँ भाई, ये बापू है ना। हाँ, खाली तेरे को मेरे को काय को दिखता है? क्या ना भाई, तुम्हारा विल पावर इतना सॉलिड है ना, किसके लिए वो बुक के बाहर आ गया? वो अलाउद्दीन का चिराग क्या भाभी? अपन भी तो गया था, अपन को लेके गया था ना गांधी ग्रंथालय, इसके लिए आपने को भी हेलो विलो बोल दिया। टेंशन लेने लगा भाई, दो चार दिन यहाँ पे रहेंगे, देश का हालात देखेगा, वापस चले जाएंगे बुक में। वो कोई टेंशन लेने लगा भाई, काय को इतना सोचने का? पापू ने अपन को बोला कि वो अपन का हेल्प करने आए ला इधर। वो लकी को मकान खाली करवाने का, उधर भेज दूँ क्या? रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। कहिए मुरली प्रसाद, मोहनदास आपके लिए क्या कर सकता है? ए बापू, वो क्या है ना बापू? अरे बाटली किधर गई? अपन को तुम्हारा हेल्प मांगता है। अगर किसी को मारना है, किसी को उठाना है, तो ये मुझसे नहीं होगा। ऐसे कामों में जरा कमजोर हूँ मैं। अरे नहीं नहीं बापू, वो सब अपुन कर लेगा। वो क्या है ना कि कल तुम अपुन के साथ जाह्नवी के घर चलो, ऐसे ही इनविजिबल मिस्टर इंडिया टाइप, वो लोग ना तुम्हारे बारे में हिस्ट्री पूछेगा, तुम हल्लू से अपुन के कान में आंसर बोर्ड डालने का। वो क्या है ना बापू, अपना हिस्ट्री थोड़ा वीक है ना। अगर मैं तुम्हारा ये काम कर दूं तो तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। अरे 10 काम करेगा बापू, लेकिन अपुन का ये काम कर दो प्लीज। मेरा काम सुन तो लो। अरे बापू प्रॉमिस बोला ना, जो तुम बोलेगा अपुन करेगा, जबान दे रहा हूँ बापू। मेरा काम इतना आसान नहीं है बापू, या कि मुंबई में अपुन के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। तुम्हारा काम हो गया, डन समझ लो। ठीक है, मैं चलता हूँ, याद करना।
पहुंच जाऊंगा। हाँ। सर के टेंशन खलास, अब दादू को इतिहास के बारे में कुछ भी पूछने दे, इतिहास तो अपुन के साथ जा रहा है। चेस।